फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अन्नपूर्णा किचन में। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है भुंटे की रेसिपी। भुंटे को हम लोग भुट्टा भी कहते हैं और हमारे यहाँ तो भुंटा बोला जाता है। मैं आपको भुंटा ही कहकर बताऊंगी, तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं बारिश के मौसम में भुंटे की रेसिपी। ब्रेड बनाने के लिए मैंने ये 2 भुंटे लिए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको छीलेंगे। आपको बताती हूँ ये कितने आसानी से छिल जाते हैं। ये जो इसकी पीछे का जो हिस्सा होता है, पहले हम इस तरीके से इसको निकाल देंगे। अब मैं आपको इसको छीलना बताती हूँ। ये बहुत ही आसानी से छिल जाते हैं इस तरीके से लेके। इसको आराम से सब हम इसको इस तरीके से सबको तान लेंगे। ये जो रेशे हैं इसको भी हम ये सब हटा लेंगे, इसमें बिल्कुल साफ कर लेंगे इनको। ये आगे वाला जो पीस है ये आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, इसको भी हम हटा देंगे। और इसी तरीके से दूसरा वाला जो हमारा भुंटा है हम इसको भी काट लेंगे। और ये जो आपके थोड़े बहुत रेशे दिख रहे हैं ये हमारे बाद में निकल जाएंगे। भुंटों को इस तरीके से 4 पीस में कर लिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, पहले उबाल लेंगे, कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई को अभी मैंने गैस पे नहीं रखा है और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, मिला देंगे इसको और इसको इस पानी में रख देंगे। लेड लगा देंगे। अब मैं इसको कढ़ाई को गैस पे रख देती हूँ। गैस पर रख दिया है। अब हम पहले इसमें एक उबाल आने देंगे, उसके बाद इसका फ्लेम जो है हम मीडियम कर देंगे। आती हूँ, देखिए इसने थोड़ा इतना इसका कलर भी चेंज होने लगा, यानी कि ये उबल चुके हैं। इसका फ्लेम बंद कर दूंगी और इसको बाहर निकाल लेंगे। थोड़ा इसको ठंडा करेंगे, बाहर निकाल लेंगे और एक प्लेट पे रख लेंगे इस तरीके से आराम से। हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे जिससे ये छूने लायक हो जाए। निकाल लिए। अब मैं इसको एक छोड़ दिया था मैंने आप लोगों को बताने के लिए दाने किस तरीके से छुड़ाए जाएंगे। इस तरीके से आप पीछे वाला साइड लीजिए और बहुत आसानी से इसके इस तरीके से पहले जगह बनाइए, आराम से ये अपने आप से छूटते चले जाएंगे इस तरीके से। देखिए कितने फटाफट से छूट रहे हैं। इसी तरीके से सब छुटा लेती हूँ। इसके ये दाने सारे निकल चुके हैं भुंटे के और सारे रेशे भी बिल्कुल साफ़ हो गए। जो हमने इसको जब उबाला था तो उबालने में ही ये रेशे जो होते हैं, उबालने में ही ये रेशे नरम पड़ जाते हैं जो अपने आप से निकल जाते हैं। तो चलिए अब फिर से चलते हैं एक बार गैस की तरफ। कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें डालेंगे बटर, मेल्ट होने देंगे इसे। अब इसमें ये दाने डाल देंगे, पहले इसमें चलाएंगे। अब इसमें मसाले डालते हैं। इसमें डालूंगी मैं ये जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च। नमक हमने पहले भी डाला था और नमक जो है वो बटर में भी है, इसलिए हम नमक नहीं डालेंगे इसमें। और इसको चलाते हैं फिर से। अब मैं इस समय पर गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। मसाला डालूंगी इसमें, चाट मसाला मिला लेंगे। अब इसमें पड़ेगा नींबू, थोड़ा सा इसमें नींबू इसको मिलाएंगे। तो अब ये सर्व करने के लिए तैयार है चाट। चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। ये 2 प्याली और इसमें करेंगे सर्व, बिल्कुल बाजार जैसे कॉर्न चाट जैसे बाजार में मिलती है इस तरीके से इसको सर्व कर लेंगे। तरीके से इसमें भी रख लेते हैं
ये हमारी स्वीट कॉर्न चाट बनकर तैयार हो चुकी है। ये बनाने में बहुत ही आसान है। बारिश का मौसम है और बाज़ार में भुंटे बहुत आ रहे हैं, आप उन्हें किसी भी तरीके से बनाइए और खाइए। ये मैंने केवल आपको एक तरीके से बताया था, आगे मैं और भी तरीके से बताऊंगी कि भुंटों को हम किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप लोग मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ।